सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ समाचार फर्स्ट का कि उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताने का मौका दिया और मैं अपनी बात सब तक पहुँचा सके, क्योंकि मैं इतना परेशान रही हूँ 10-12 साल से बच्चों के लिए। मैंने अपने 3 बच्चे खो दिए हैं पहले, और अभी जाकर फिर फरवरी महीने से हम यहाँ आए फोर्टीज़ हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पर मुझे डॉक्टर निशा मैम ने इतनी अच्छी तरह से गाइड किया और इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी कि मैं आज जो रिज़ल्ट है वो मेरे हाथ में है। मुझे इन्होंने स्वस्थ बेबी दिए हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी गोदी को हरा भरा कर पाई हूँ। और जो यहाँ का स्टाफ है, निको स्टाफ है, डॉक्टर पुनीत हैं, उन्होंने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया, क्योंकि जब जिस सिचुएशन में मैं आई थी, इतनी बीमार थी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैंने सोचा मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो बैठी हूँ, अब मैं नहीं माँ बन पाऊँगी। पर जैसे जैसे इन्होंने मुझे गाइड किया, इन्होंने मेरे से बात की, और जो पॉजिटिव एनर्जी देख के मुझे इन्होंने अपना मतलब ट्रीटमेंट चलाने का मौका दिया। फिर उस हालत से, सिचुएशन से, डिप्रेशन से निकल के मैंने धीरे धीरे इनकी बातों को समझा, और जैसे जैसे गाइडेंस मिली मैं वैसे करती गई। इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे के मुझे ये बच्चे दिए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर निशा मैम का, धन्यवाद करना चाहती हूँ निको का, धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर पुनीत का, जिन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया और हमारे जो गोद है हरी भरी कर दी है। थैंक यू सर। एक्चुअली हम बहुत भटके, 12 साल से हम भटक रहे थे। हमें 3 बार निराश किया गया अलग अलग हॉस्पिटल्स में। अब जाके फोर्टिस हॉस्पिटल के स्टाफ और स्पेशल निशा मैडम ने, उनकी गाइडेंस ने हमें बहुत अच्छी औलादें दी हैं, और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम इनके गाइडलाइन से फोर्टिस हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट आगे चलाएँ और अच्छे रिज़ल्ट मिले। सर जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, फिर हमारे मतलब फैमिली में उस टाइम कोई भी नहीं था, मम्मी ने बोला कि फोर्टीज़ हॉस्पिटल में जाके देख, मतलब वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे आए हैं, डॉक्टर निशा, आप डायरेक्ट उनसे जाके मिलो। फिर हम जब जैसे यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बस मैम भी हमारा वेट कर रहे थे, मैम ने एकदम से आके उस केस को संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। उस टाइम ही एडमिट करके सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, और मतलब उनकी बात करने का तरीका इतना अच्छा है, वो मतलब पेशेंट जितना भी दुखी हो, कैसा भी हो, मतलब उनके बात करने के तरीके से ही आधा ठीक हो जाता है वो तो। हाँ जी, फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे बताया कि पूजा सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री होके रहो। बस उनकी गाइडेंस से हम चले आगे। देखिए, इस कपल की अगर हम बात करें, ये मेरे पास फरवरी के महीने में आए थे, और इनका एक बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता पाऊँ तो पहले ये अपने 3 बच्चे खो चुके हैं। पूरी गर्भावस्था की स्थिति में इन्होंने 9 महीने बच्चों को पेट में रखा, और जैसे ही बच्चे 3-4 महीने के होते थे, वो सांस ना लेने की वजह से या एक्टिविटी प्रॉपर तरीके की ना होने की वजह से, मल्टीपल इन्फेक्शन होने की वजह से वो किसी तरीके से बच नहीं पाए। तो देवर नॉट इवन अवेयर कि कारण क्या है कि बच्चे 2-2.5 महीने 3 महीने तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद में फिर वो आगे नहीं जा पाते। सो उसके बाद में इन्होंने कहीं अस्पतालों में जाके अपनी जाँचें कराई, लेकिन इनको वो पता नहीं चल पाया कि कारण क्या है। जब वो मेरे पास आए थे, द फीमेल वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, वो कहें तो एक तरीके से पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि उसके आगे बच्चे आगे हो भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके बाद में भी इन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में जाके इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं ठहर रहे थे। जब ये हमारे पास आए तो हमने इनका प्रॉपर इवैल्यूएट कराया, प्रॉपर जाँचें कराई, और पता चला कि इनके 3 बच्चों में, पहले वाले में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर रहा है, वो था। इसके बाद हमने एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हुए इनको कंसीव करवाया। कंसीव कराने के बाद में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जैसे कि समझ ही सकते हैं कि एक पास्ट जो इनका रहा है बड़ा ही ट्रॉमेटिक रहा है, उसके बाद इनके जो 9 महीने बीते उसमें भी कुछ हम कहें कि कोई प्रॉब्लम ना आई हो, ऐसा हुआ नहीं। ये पहले भी हमारे पास 2 बार एडमिट रह के गए, कभी एक बार फीवर के साथ में आए, दूसरी बार फिर जब ये आए तो प्रीटर्म लीकिंग के साथ में आए। बच्चे पूरे 9 माह के नहीं थे, लेकिन इनकी जो पानी की थैली थी वो फट चुकी थी। बच्चे ट्विन्स थे, हमने थ्रू आउट प्रेगनेंसी इनके टेस्ट कराए, जिनको हम जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, ताकि आगे जाकर ये वही एक्सपीरियंस दोबारा ना फेस करें जो पहले 3 बच्चों में कर चुके थे। तो थ्रू प्रेगनेंसी के दौरान हमने इनकी जेनेटिक टेस्टिंग कराई,
जो कुछ इन्वेजिव भी थे, हमने पानी की जांच करवा के उसमें चेक करने की कोशिश की कि यहाँ पर कोई वैसे वाला जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जिसको हम टारगेटेड स्क्रीन बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, टारगेटेड स्क्रीन इनकी करवा के उन डिसऑर्डर्स को रूल आउट किया। जब वो डिसऑर्डर्स रूल आउट किए, उसके बाद में इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी को प्रॉपरली मॉनिटर किया गया थ्रू आउट प्रेगनेंसी। बेचारी हर दिन जो कहते हैं कि इंजेक्शंस पे थी, एक थोड़ा सा ट्रोमैटिक होता ही है कि पहले तीन बच्चे खोने के बाद में वो इतने एंग्शियस थे कि ये दो बच्चे कैसे रहेंगे। तो एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का यहाँ पर मिलना चाहिए था, वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर पाए, उसकी मुझे खुशी है। बच्चे पैदा हुए उसके बाद हमारी न्यूनेटल टीम ने उसके बहुत अच्छे से हैंडल किया। प्रीटर्म थे, 2 किलो से कम के थे, उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया और आज ये दोनों हेल्दी दोनों बच्चियां घर जा रही हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। देखिए, भरोसा इंसान पे नहीं करना चाहिए, भरोसे के लिए हम अपना एफर्ट रखते हैं, लेकिन ये उनकी विल पावर भी होनी चाहिए। जब वो जिस स्टेट में आई थी तो वो उम्मीद खो चुकी थी, तो हमारा बस एक यही एफर्ट रहा था कि हम उनको वो एहसास दिला पाएँ कि हर बार एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, और अगर सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको तरीके से हम ट्रीट करते रहेंगे, टाइम रहते हुए टेस्ट करते रहेंगे, टाइमली दवाइयां लेते रहेंगे, इंजेक्शन का सपोर्ट, प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट जो इनको दिए गए हर 21 दिन पे जो इंजेक्शन दिए गए, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए इनको जब भी कहा गया ये आगे बढ़कर अपने समय पर आकर जांचें कराते रहे, तो ये एक टू वे थिंग थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें सारा एफर्ट हमारा था या हमारी टीम का था, पेशेंट का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है अपनी ही केयर में, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट जब तक डॉक्टर्स या उसकी टीम उसको वो सपोर्ट देने के लायक नहीं बनाते, तब तक ये इलाज नहीं बन आगे चल सकता। वो पेशेंट हैं, वो पेशेंट रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, लेकिन डॉक्टर को भी अपनी पेशेंस नहीं खोनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें हर बार 100% रिजल्ट मिलता है, लेकिन हम अपने हर बार अपनी 100% कोशिश ज़रूर देते हैं। रिज़ल्ट के लिए हमने पहले दिन भी उनको ये बोला था दैट आई कैन नॉट गारंटी यू कि मैं 100% हम आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही देंगे, लेकिन इतना ये भगवान की कृपा रही या हमारे फोर्टिस का भी काफ़ी सपोर्ट रहा मैनेजमेंट का, हम उनको ये एहसास दिला पाए थे कि हाँ, हमसे जितना हो पाएगा हम अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश करेंगे। तो टाइम रहते इन्होंने भी अपने टेस्ट कराए, पता चला बीमारी क्या है। जब तक बीमारी पकड़ी नहीं जाती, हवा में तीर लगाने से कोई इलाज नहीं संभव होते, तो जब तक वो इलाज कराना नहीं चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते। तो एक समाचार फर्स्ट के लिए भी मैं एक थैंक यू बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि हम ये मैसेज सोसाइटी में पहुँचा सकें कि टाइम रहते अपना एक इलाज, एक टाइम रहते हुए अपनी बीमारी की जड़ को पकड़ के इलाज कराना ही चाहिए। और पेशेंस, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब तक आप हबड़ा दबड़ी में रहेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, तो इलाज संभव नहीं होता। आप एक जगह लग के, कहीं पर भी एक जगह लग कर अगर इलाज कराते हैं तो उसके रिजल्ट्स हर जगह मिलते हैं।